कोई भी अगर वीडियो देख रहा है गलती से ही देख रहा है तो गलती के ही बहाने वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा राइट चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर से कईज मैंने सुना था कि शालेमार गार्डन जो है वो सबसे बड़ा गार्डन है याद है जब हम शालेमार गए थे, शाले थे जहाँ पे हमने पकोड़े खाए थे हाँ। अंदर अंदर गार्डन के यहाँ हाँ हाँ। तो मैंने ये सुना था कि वो सबसे बड़ा गार्डन है बट मुझे लग रहा है कि यही सबसे बड़ा गार्डन है बट फर्क इतना है कि ये मुगल गार्डन है कि वो जो है शालीमार जो है वो मुगल गार्डन है आई डोंट नो वेदर ये मुगल गार्डन है यानी जाहिर सी बात है ये मुगल गार्डन नहीं होगा तो बट ये वाला गार्डन भी बहुत ही बड़ा गार्डन है और देखो, उसका बाल कितना बहुत ही ज़्यादा बड़ा गार्डन है और जबरदस्त व्यू है बीच में पॉइंट बहुत ही जबरदस्त व्यू आ रहा है बट आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूंगा हम लोग निकले थे येस्टरडे ये गार्डन एक्सप्लोर करने निकले थे ना का। बीच रास्ते से मैं वापस आया आई डोंट नो क्या आवाज़ आई मेरे को इंटरनली मेरा मन नहीं कर रहा था तो बस किस्मत में लिखा रहता है जो चीज़ जब किस्मत में लिखी रहती है वो आपको मिलती है राइट वो कुछ भी हो तो आप जितनी भी कोशिश करें कि वो मिले मिले वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि किस्मत में ना लिखाओ ठीक है तो बस अभी पूरा घूमते आगे से ये एंड हो रहा है भाई ये एंड हो रहा है यहाँ से हम लोग आए पूरा वहाँ से गेट था आ, उस साइड से हम लोग आए वहाँ पे गेट था पूरा पूरा चलते 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 अभी वहाँ आ गए तो बस इसके आगे कुछ नहीं है आगे बढ़ने का कोई मकसद है नहीं तो अभी यहाँ से अब गार्डन को एक्सप्लोर करते हैं बट सच में मैं आपसे बोल रहा हूँ ना हाँ। अच्छा लग रहा है गर्मी में बंदा जल जाता है वाकई में लग रहा है कि जन्नत में है हमें हाँ बहुत अच्छा लग रहा है बस थोड़ी बहुत हवाएं चलनी चाहिए रूह रूह आ जाएगा जान में जान आ जाएगी हाँ। तो टूरिस्ट भी यहाँ पे घूम रहे हैं चलो अब यहाँ पे स्लिप का थोड़ा खतरा है मैं संभाल संभाल के चढ़ता हूँ ठीक है चलो 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 सर्वर गई इस बालों वाला पेड़ जो है ना वो यहाँ पे भी है काफ़ी सारे पेड़ है ये देखें थोड़ा क्लोज शॉट आपको देना चाहेंगे सर्वर डिस्को कर रहा है सर्वर डिस्को कर रहा है आमने जो है कोरा ही कोरा है क्लाउड क्लाउड्स है राइट कोई डेंस फॉरेस्ट में को दिख रहा है आई डोंट नो ये क्या है आगे बट जो भी है काफी ज़बरदस्त व्यू आ रहा है तो बस गई अपना सफर जो है वो कंटिन्यू रखते हैं बस ये पूरा ग्राउंड ही है ठीक है ये सारा का सारा ग्राउंड है पूरा व्यू आपको दे देते हैं सारा का सारा ग्राउंड है कौन सा पेड़ कुर्सी है अरे हाँ भाई तो गाइज आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे एक पेड़ है जो चेयर की चेयर की, की शेप में दिया गया है तो ये रहा जी ट्री और यहाँ से भी गार्डन ही है पूरा अभी ऊपर जाएंगे स्टेप बाय स्टेप आ, इट सीम्स कि लाइक मतलब ना ये थोड़ा बहुत स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहा है राइट स्लैब बाई स्लैब ऊपर जा रहा है ऊपर भी जाएंगे हम हाँ वहां से गार्डन ही है पूरा तो पूरा गार्डन ही है ये पूरा गार्डन ही है अब ये और ऊपर चढ़ रहे हैं है उधर है, क्या है उधर कुछ, कुछ नहीं है भाई उधर गुफा ही गुफा है गु, गुफाई, गुफाई और उस साइड से कुछ है उस साइड से कुछ दिख रहा है मेरे को तो बस गाइज अभी हम लोग अब यहाँ से ऊपर की ओर जा रहे हैं चल यहाँ से ऊपर की ओर जा रहे हैं कैमरा का जो लेंस है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है बीग रहा है बार बार तो शीशे स्पेक्स के कपड़े से साफ करना पड़ रहा है तो चलो भागो आगे यहाँ पे बैठने की जगह भी है तो ऊपर बढ़ते हैं ऊपर कुछ भी नहीं है गई ओ ऊपर कुछ भी नहीं है सर्वर है क्या उधर क्या है गई ये कुछ गुफा टाइप है अब यहाँ पे फिर से गिरने का खतरा है फिर से गिरने का मुझे ख़तरा लग रहा है हाँ क्या बोल रहे ठहर जाओ तो क्या बोल रहे अबे भाई गईज यहाँ पे कुछ जन्नत नजर आ रही है हेवन अरे भाई ये क्या है पता नहीं ये भी गईज बोटेनिकल गार्डन के साथ कनेक्ट हो रहा है जो भी है बहुत ही ज़बरदस्त है अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं आगे से फिर नीचे उतरते हैं तो गईज़ वहाँ पे आ, <coughs> फिर से आशकी मेरे को देखने को मिली <laughs> तो हमने उस इंस्टेंस को कैप्चर नहीं करा जो कि काफ़ी गलत है राइट तो वो चीज़ गलत है तो हमने उनको डिस्टर्ब अच्छा नहीं अच्छा करा बिकॉज काफ़ी ज्यादा शांति है अच्छा तो हमने उनको डिस्टर्ब नहीं करा और अपना जर्नी जो है वो कंटिन्यू रखा मेरे को फिर से यहाँ पे स्लिप का खतरा लग रहा है ये कोरा ही कोहरा है ठीक है ऊपर आपको कोरा ही कोरा दिखाई देगा जबरदस्त व्यू आ रहा है भाई बहुत ही ज्यादा क्लाउडी सीन नज़र आ रहा है सिनेमेटिक्स तो बोल रहे यहाँ पे मशीन करनी थी <laughs> तू <तु> करेगा नहीं मैं नहीं कर ठीक है तो बस आ, अभी फिर से अब हम अभी स्टेप बाय स्टेप ऊपर गए थे अब स्टेप बाय स्टेप हम हम नीचे जाएंगे ठीक है स्टेप बाय स्टेप अपना सफर कंटिन्यू रखते हैं नीचे की ओर देखिए मुझे पहले ही पता थी ये गार्डन होगा यहाँ पे यही होगा बट एक मेंटल सेटिस्फेक्शन रहेगी कि हाँ बोटेनिकल गार्डन को भी हमने एक्सप्लोर करा उधर चलो उधर क्या है उधर कुछ भी नहीं है भाई मेरे

उतर सकते हैं आराम से हाँ ये चीज़ मेरे को आपके साथ शेयर करना था कि ये जो बोटैनिकल गार्डन वाला जो किस्सा है जहाँ पे अभी हम विजिट हैं तो बोटैनिकल गार्डन जो है वो चश्मा शाही वाले साइड से पड़ता है चश्मा शाही और आ, परी महल वाले साइड से पड़ता है तो पहले बोटैनिकल गार्डन पड़ता है उसके बाद चश्मा शाही पड़ता है उसके बाद फिर परी महल पड़ता है ठीक है तो सबसे क्लोजेस्ट है ये राइट नियरेस्ट वन है तो सारा का सारा गार्डन ही है और कुछ भी नहीं है ठीक है गईज पूरा गार्डन है लाइक ए सैड में ऑलरेडी बोल चुका हूँ अपनी सारी गार्डन वाली सीरीज में कि गार्डन में कंटेंट फेच करना थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज गार्डन में कुछ निकलेगा ही नहीं कंटेंट आपको ठीक है ना बट हाँ एक्सप्लोर कर लिया तो यहाँ पे कुछ खाने का स्टॉल है कुछ नहीं है भाई गार्डन खत्म है बस बहुत ही बड़ा गार्डन है सही गार्डन है तो गैस आपको ये कैफे दिखा देते हैं अरोमा गार्डन कैफे कुछ आई वाई पी लेते हैं छोटा सा टी स्टॉल है आई गेस चाय ही मिलती होगी यहाँ पे। भैया क्या मिलता है मेन्यू हम लोग देख लेते हैं ओके okay. तो गाइज मैंने जो है इलायची वाली चाय ऑर्डर करी है राइट तीस रुपये का कप है तो दो कप चाय पी लेते हैं ये पनीर पकोड़े और भी कुछ दे रहा है बट मैं खाऊंगा नहीं ठीक है अवॉइड ही करूँगा बिकॉज मेरे को फिर दाने है निकलते हैं तो वो चीज़ मैं अवॉइड ही करूँगा कुछ स्नैक्स वनैक्स है नहीं इसके पास अदरवाइज रेडीमेड स्नैक्स खा लेते तो चाय पी लेते जिंजर प्लस इलायची हाँ टूरिस्ट भी है यहाँ पे चाय आ गई है और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि शुगर भी आ गया है ठीक है तो पूरा खाएगा <laughs> हाँ कोड़े खाने का या कुछ खाने का मन है बट फिर वो दाने निकलेंगे वो फिर दाने ऑलरेडी निकल चुके हैं फिर प्रॉब्लम हो जाती है पकौड़े से कैसे होते हैं तेल में होता है ना ये तेल हमें नहीं पता होती ना ये कौन सा तेल है गई हमें नहीं पता है ना हम घर पे तो अच्छा वाला तेल खाते हैं ठीक है तो ऑयल तो तो, वाला इशू हो जाता है तो उसी रीजन से थोड़ा अवॉइड ही करना पड़ेगा तो गई चोर जो है वो पकड़ा गया <laughs> तो चीनी चोर जो है वो पकड़ा गया चाय आने रही है मेरे को भूख बहुत ज्यादा लग गई है बिकॉज मैं खाना खा के नहीं निकला था तो गई चाय जो है वो सर्व हो गई है और वहाँ पे भी सर्व हो रही है चाय जो है अलग तरीके से सर्व हो रही है केटल में पहले कप जा रहा है फिर केटल जा रही है तो चाय पी लेते कितनी तो चीनी फे? डालेगा हाँ? कितनी डालेगा ज़्यादा नहीं डालना बीमार हो जाएगा सर्वर तो, तो खा लेगा ना लेकिन बीमार हो जाएगा ना तो हम चीनी नहीं डालेंगे बिना चीनी डाले डाले, डाले पियेंगे गिरा क्यों ना है? सही जाए ओके ओके चाय पीने का रीज़न ही ये था कि हम लोग बारिश में निकले हुए थे ठीक है तो पूरे कपड़े जो है वो भीगे हुए हैं तो चाय एज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी रहेगी तो इससे बीमार होने के चांसेस कम है कि रात को मतलब वो सर्दी चढ़ने के चांसेस कम है इसीलिए चाय पी अदरवाइज नहीं पीता मैं चाय मन नहीं था मेरा डी की चाय पीने में मजा है या फिर घर की जो फ्री की चाय होती है उसमें मज़ा है या फिर यहाँ पे मजा है यहाँ पे।, पे तो गई जो हम चाय पी रहे पीने घर पे हम फ्री में पीते हैं <laughs> मम्मी का का दूध चायज़ ओके ओके एक्स्ट्रा नहीं है ठीक है तीस रुपए वर्थ नहीं है बस निकलते हैं फिर और मिलते आप चलो निकलते गुड नाइट तो हमने पैसे दे दिए साठ रुपये हमने दे दिए जो कि वर्थ नहीं थे और ठहरना यार तो मैं यहाँ से गिरूंगा स्टेयर से ही उतरूंगा ये रहे जी स्टेयर्स तो बस फिर से रिटर्न बैक टू तो ट्री वाला जो बालों वाला ट्री है फिर से वहीं पे हम लोग पहुँच गए तो उम्मीद करता हूँ इस बोटेनिकल गार्डन वाली सीरीज़ को आपने एंजॉय करा होगा कि विद इन बोटेनिकल गार्डन जो है पॉन्ड है ठीक है और गार्डन है थोड़े बहुत सिनेमेटिक से फोटी फोटोग्राफी के लिए बेस्ट प्लेस है सच में आपसे कह रहा हूँ अगर आप फोटोग्राफी के काफ़ी ज़्यादा शौकीन है तो ज़रूर से बोटानिकल गार्डन विजिट करें बिकॉज ज़बरदस्त सिनेमैटिक्स आ जाएंगे काफ़ी कुछ कैप्चर करने को है यहाँ पे और छोटा सा फूड स्टॉल भी है तो बस इतना ही था तो उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय करा होगा मिलते हैं आपसे इन सम न्यू व्लॉग विद सम न्यू स्टोरी लाइन कीप सपोर्टिंग दी कश्मीरी ब्रांड अली बस टाटा बाय बाय टेक गई टिक वाइल व्हीकल इस व्लॉग को एंड मैंने ऑलरेडी करा था यहां पे वाटर स्टॉल भी है कुछ वाटर एटीएम भी है नहीं एक्सप्लोर नहीं कर रहा था सरवर ने मुझे पहले ही कहा था कि यहां से चलते हैं मैंने कहा था लास्ट में चलेंगे और यहां से जाने का रीज़न ही है कि वॉशरूम देखते हैं तो बस व्लॉग ऑलरेडी मैं आई वुड से एंड कर चुका हूँ तो देखते हैं ये रास्ता हमें कहाँ ले जाता है कहाँ हाँ वहाँ पे आई गेस वॉशरूम है और कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं प्रेजेंट करूँ ठीक है और शॉर्ट्स पे मेरा बिल्कुल भी फोकस नहीं है सर्वर का, का काम जो है ऑलमोस्ट नाइन्टी रिड्यूस हो गया है बिकॉज़ शॉर्ट्स मैं नहीं बनाऊँगा बिकॉज एफर्ट्स कहीं ना कहीं मुझे ही लगते हैं मैक्सिमम तो वो चीज़ हमने कैंसिल कर दिया है फॉर नाउ बस मिलते हैं आपसे